और अब खबर बीजेपी में बदलते सिद्धांतों की। जी हां, पश्चिमी राजस्थान में अफीम पिलाकर वोट मांगने की बात सामने आई है। बाड़मेर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कर्नल सोनाराम ने वसुंधरा राजे की मौजूदगी में अफीम आसानी से उपलब्ध कराने की मांग कर डाली। चुनावी मौसम में अफीम चखने और चखाने का चलन राजस्थान में पुराना है। गैर कानूनी होने पर भी बाड़मेर के उम्मीदवार सोनाराम चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुलेआम मीडिया के कैमरे के सामने सोनाराम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अफीम की सप्लाई में होने वाली परेशानी का रोना रो रहे हैं। सोनाराम कानून को जानते हैं, लिहाजा अफीम देने से पहले भीड़ को चेतावनी भी दे दी। लगे हाथ परंपरा और अपने बुजुर्गों का हवाला देकर अफीम देने को मजबूरी भी करार दिया। लोटा पोस्ट अफीम, ये देखो है तो खराब, ये लेना ठीक नहीं है। पर मैडम, आप लोगों ने शुरू कर दिया, कोई 70-80 बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, लाइसेंस के हिसाब से पूरा काम चलता नहीं है। तो इसके लिए मैडम, मुझे पता है कि आप ये गरीब किसान हैं, हम तो उसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं। उसमें मैडम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, इसका मतलब नहीं आप लोटे ज़्यादा पियो, पर जिस तरह से आपको तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ मैं कह रहा हूँ अगले एक तारीख के बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में रेयाड़ यानी अफीम पंचायतें तय करती हैं कि वोट किसको मिलेगा। समाज के बड़े बुजुर्ग जब वोट तय करने के लिए एक जगह बैठते हैं तो उस वक्त अफीम घोल कर पिलाया जाता है, और जब एक बार किसी पार्टी के नाम की अफीम पी ली जाती है तो वोट उसी को दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। देखिए, ये हमारे भी संज्ञान में आई थी। बहुत ही निंदनीय बात है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उसी मंच पे इस तरह की डिमांड करे जो नशीले पदार्थों के सेवन को भी बढ़ावा देता और इल्लीगल भी है। गौरतलब है कि जसवंत सिंह ने पिछली वसुंधरा सरकार के दौरान वसुंधरा विरोधी नेताओं को अपने घर जसोल में रियाड़ पर बुलाकर अपने हाथों से अफीम पिलाई थी। तब वसुंधरा सरकार ने नारकोटिक्स विभाग में मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायत पर क्या रुख अख्तियार करता है। चुनाव के दौरान रियाड़ के नाम पर होने वाली अफीम पंचायतों के खिलाफ जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर रखे हैं, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी वसुंधरा राजे के मौजूदगी में ही अफीम यानी डोडा पोस्ट उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। एक इसी तरह के मामले में जसवंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली वसुंधरा राजे खामोश बैठी थी, क्योंकि अफीम के नाम पर भीड़ तालियां बजा रही थी और इसी भीड़ को वोट भी देना है। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।